एक बार देखिए MRPL को, इस पर अच्छा मूव है। करीब 3% ऊपर MRPL है और दूसरा एक काउंटर है हिंदुस्तान कॉपर। इस पर भी अच्छा मूव देखने को मिला है। ये इस समय करीब 4.25% ऊपर है। किरण, क्या करेंगे इन दोनों स्टॉक्स पर आप? सी MRPL मैंने सवेरे ही रेकमेंड किया था कि बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न, और वैसे गिरते मार्केट में यह बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 137 का भी स्टॉप लॉस रहेगा, मैंने पहले कहा था करीबन 133 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अभी ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और टारगेट्स के लिए 144 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक कहा था आपने? हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में मुझे लगता है कि इधर भी एक अच्छा रुझान है, पर 71-72 एक बहुत बड़ा बैरियर है। इन लेवल्स पे क्या करता है थोड़ा देखना पड़ेगा, पर रुझान पॉजिटिव रहेगा। अभी अगर कोई बाय करता है तो 67 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और टारगेट्स के लिए 71-72 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। वहां पे रिव्यू ले लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेचने के लिए। जी, इस बीच टाटा स्टील 1% नीचे खुला जरूर था, लेकिन अच्छी रिकवरी और अब ये फ्लैट हो गया है। और एक आप देखिए भारती एयरटेल, ये स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव मूव दे रहा है, अभी भी 1% की स्ट्रेंथ के साथ ही दिन के ऊपरी स्तरों पर है। आशीष, भारती एयरटेल जो लगातार चला है और दूसरा टाटा स्टील, थोड़ा नीचे खुला जरूर था लेकिन स्मार्ट रिकवरी, क्या टारगेट्स है यहाँ पर दोनों शेयर्स में आपके? इनफैक्ट देखिए भारतीय एयरटेल के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मूव जो है वो एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड्स 388-390 के जोन पे, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है और आज का लो ही काफ़ी क्रिटिकल रहेगा, तो 373 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन इसके अंदर बनाइए। 388 से 390 के टारगेट्स भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक कि टाटा स्टील का सवाल है, मैंने जैसे कहा कि ये इसमें कोई डिप आती है तो ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। 520-525 के टारगेट्स टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं और अब मुझे लगता है 482 का एक स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल्स पे भी इसके अंदर पोजीशन जो है बनाई जा सकती है। एक स्टॉक जो मैं और ऐड करना चाहूंगा इसी लिस्ट के अंदर जो ट्रेडिंग मोमेंटम से काफी अच्छा नजर आ रहा है, वो है डीसीबी बैंक का। यहां पर पे हमने नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी और जिस तरह का ये फॉर्मेशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आसानी से 205 से 208 तक के टारगेट्स ऊपर में दिखा सकता है। 190-250 का एक स्टॉप लॉस रख के डीसीबी बैंक में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। इस बीच चलिए कुछ और काउंटर्स देखते हैं। आज सुबह मार्केट खुलने के बाद दो तीन कंपनीज ऐसी हैं जिस पर ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। इसमें एक तो सिंजीन को देख लेते हैं, यहाँ पर 4.5% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है। अपोलो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर ब्लॉक डील हुई है, जिसमें इंटीग्रेटेड मॉरिशियस ने इनकी जो होल्डिंग थी उसे ब्लॉक डील के जरिए बेचा है, और साथ ही गोफिक बायोसाइंसेस यहाँ पर भी ब्लॉक डील हुई है जिसमें 9% से ज़्यादा इक्विटी ने हाथ बदले हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर ब्लॉक डील देखने को मिली है। गोफिक देखिए करीब 8% ऊपर है, 69 के आसपास। कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं मोमेंटम प्लेज में, एक बार फिर से देखते हैं मिड कैप में स्ट्रेंथ जहां पर देखने को मिल रही है वो कौन से स्टॉक्स हैं। हालांकि 0.5% नीचे है मिड कैप इंडेक्स इस समय, लेकिन वो जो वीक ओपनिंग थी उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें CESE है जो कि 1% ऊपर है, SRF 0.5% ऊपर है, MRF के काउंटर पर करीब 0.5% का मूव देखने को मिला है। इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो कि करीब 1/4% ऊपर इस समय दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लिस्ट ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि ब्रेथ काफ़ी नेगेटिव है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन जो क्वांटम ऑफ लॉस है या फिर क्वांटम ऑफ नेगेटिविटी है वो इस समय थोड़ी सी रिस्ट्रेंड है। बिल्कुल, ऐसे में जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं, अर्निंग वाले स्टॉक्स हैं, उन पर स्पेशली आप ध्यान रखें। अभी CESE का मीर ने जिक्र किया, उस पर इनफैक्ट सुनील के कमेंट्स ले भी लेते हैं। CESE, सुनील क्या राय है आपकी? अर्निंग्स तो आज आएंगे ही, लेकिन अर्निंग्स के अलावा जो रिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी समय से जिसकी बातचीत हो रही है वो हो सकती है, स्पेंसर की लिस्टिंग को लेकर क्या स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट के आएंगे, कुछ क्रूशल फैक्टर्स होंगे जिनको इन्वेस्टर्स वॉच आउट करेंगे, लेकिन आपके रिकमेंडेशन क्या है स्टॉक पर? देखिए CESE में अर्निंग से ज़्यादा मुझे लगता है रीस्ट्रक्चरिंग ही प्ले आउट करेगी, अर्निंग पे इतना फोकस नहीं रहेगा। नो डाउट उनके जो कुछ एक पावर प्लांट्स उन्होंने ऑलरेडी लगाए हैं उनमें थोड़ा रिवाइवल देखने मिला है और उसका पॉजिटिविटी भी साथ में है, बट मेजर पार्ट जो है कि इसमें स्पेंसर की वैल्यू है प्लस कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है प्लस जो फर्स्ट सोर्स है उनकी वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम कोर पावर प्लांट और पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक दो पार्ट हैं। तो ये सभी को अगर किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग आती है और कैसे प्ले आउट होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मुझे लगता है कि स्टॉक नीचे से काफ़ी इस एक्सपेक्टेशन में और मैनेजमेंट के पॉजिटिव कमेंट पे ऑलरेडी रनअप भी कर चुका है, बट यहाँ से फर्दर कितना वैल्यू आएगा मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ एक बार रीस्ट्रक्चरिंग में क्या मिलता है वो देख के ज़्यादा व्यू लेना चाहिए रादर देन एट करंट प्राइस। बिल्कुल, देखिए मार्केट में रिकवरी है, थोड़ी बहुत है निचले लेवल से, अब निफ्टी सिर्फ 38 पॉइंट नीचे है, यानी आधे परसेंट के आसपास की गिरावट। और इनफैक्ट बजट से लेकर अभी तक अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल क्यूज़ अच्छे नहीं थे, उसके आधार पर मार्केट कमज़ोर खुला, बट इट वॉज़ फॉलोड अप विद बाइंग, तो वो बाइंग देखने को मिली मार्केट में या फिर एटलीस्ट एक बाउंस मार्केट में देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल एशियन मार्केट में जिस तरह का सेटअप है या फिर एशियन मार्केट्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, क्या ये माना जाए इस समय आशीष दैट मार्केट्स विल टेक दिस न्यूज़ इन स्ट्राइड? बिकॉज अभी अभी खबर भी आई है कि यूएस में ऑलरेडी अब जो फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर हैं उनकी नियुक्ति की जा चुकी है मिस्टर ट्रंप और रशिया के बीच की जो साठगांठ है उसकी जाँच करने के लिए। नहीं बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि वोलेटिलिटी रहेगी और यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए कि आप वोलेटिलिटी जो इंडिया विक्स जिसको आप देखेंगे वो मल्टी ईयर लोस पे चल रही है, और जब इस तरह का ग्लोबल कंसर्न हमें नज़र आ रहा है खास तौर पे जब हम देख रहे हैं काफ़ी बार ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वोलेटिलिटी इतने लो लेवल्स पे तो जंप होना वोलेटिलिटी का कभी भी किसी भी समय पर जो एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है और उसके चलते कहीं ना बाजार के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहां पर पे कॉशियसली आप पॉजिटिव रह सकते हैं। देखिए सेलेक्टिवली स्टॉक सेलेक्ट करना एक अलग बात हो गई, पर ब्रॉडर मार्केट में मुझे लगता है डेफिनेटली जब तक अब एक कंसोलिडेशन बाजार को देखने को ना मिले थोड़ा कॉशियस अप्रोच हम डेफिनेटली बाजार में रखते हैं। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, स्टॉक आधा परसेंट खुला जरूर था नीचे लेकिन एक स्ट्रांग रिकवरी और अब 1% की स्ट्रेंथ के साथ डे हाई पर आ चुका है। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, नतीजे आज जारी होंगे, उससे पहले अच्छा अपमूव अब बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा जा रहा है। पर पंजाब नेशनल बैंक को भी देखते हैं, कल ये स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक था सरकारी बैंकों में, 5.5% गिरकर बंद हुआ था, 1% नीचे ये 163 के लेवल्स पर है। किरण आपका व्यू क्या है पीएनबी पर भी और बीओबी पर भी, एक डे लो पर और एक डे हाई पर ट्रेड कर रहा है? पीएनबी में कोई व्यू नहीं बन रहा है अभी, बेसिकली न्यूट्रल रहेगा, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि इधर अच्छे खासे एडिशंस हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, आज रिजल्ट है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 190-150 का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको 198-199 के लेवल्स रिजल्ट के पहले देखने को मिल जाने चाहिए। जी बैंक ऑफ बड़ौदा अब 1.5% ऊपर आ चुका है, अच्छा मूव ओपनिंग के बाद स्टॉक में आते हुए दिखा है। भारतीय एयरटेल एक स्टॉक है ही जहां पर अच्छा मूव हमने देखा, ये भी 1.25% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। एक दो और शेयर्स हैं इंडेक्स में ही जो कि अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं, भले ही क्वांटम बहुत ज़्यादा ना हो, आप उसमें देखिए एक औरबिंदो फार्मा को और साथ ही सन फार्मा को, ये दोनों ही शेयर्स भी रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आधा आधा परसेंट का मूव इन दोनों ही स्टॉक्स में देखा जा रहा है। एनटीपीसी कोल इंडिया ये दो और शेयर्स जहां पर हम 1.25% की सही लेकिन बढ़त देख रहे हैं, ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जो कि भरे निशान में इंडेक्स में आ चुके हैं। लेकिन कमजोरी के साइड पर अभी भी हिंडालको, आईसीआईसीआई बैंक, एसीसी और यस बैंक का स्टॉक शामिल है। किरण आपसे एक स्टॉक पर और व्यू चाहिए, वो है वर्धमान होल्डिंग का, ये टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है। अभी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं हुए लेकिन आप देखिए कल भी ये 20% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ था, आज फिर से 17-18% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वर्धमान होल्डिंग मुझे लगता है कि सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए और मेरा मानना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए, इधर से और एक 10-15% की रैली देखने को मिल सकती है। जी ये स्टॉक यहां से और मजबूत हो सकता है वर्धमान होल्डिंग का, अभी 17-18% तक का सर्ज इस स्टॉक में देखा जा रहा है। लेकिन एक स्टॉक देख लेते हैं इंडो सोलर का, ये स्टॉक भी लगातार मूव कर रहा है, 6% का मूव है, 11.88 के लेवल्स अभी भी देखे जा रहे हैं स्टॉक में, तो इसमें भी वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं और इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बाइंग हो रही है। एक अवंती फीड्स को देखते हैं, ये स्टॉक पिछले 3 दिनों में 40% चला था और आज भी अपना मूव कंटिन्यू कर रहा है, 4.25% ऊपर, यानी आज की स्ट्रेंथ भी अगर ऐड कर दें तो ये 4 सेशंस यानी अब तक 45% का रन अप दिखा चुका है। ये आशीष क्या राय है आपके अवंती फीड्स पर?
देखिए अवंती फीड्स के अंदर में हमने एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम और डिलीवरी का पिकअप देखा है, बट स्टॉक जो है वो बहुत चल चुका है, तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंफर्ट मिसिंग है मुझे लगता है। थोड़ा सा एक बार डिप का वेट कीजिए, 1300 के आसपास अगर से स्टॉक आता है तो वापस पोजीशन बनाई जा सकती है। इवेंचुअली मुझे लगता है 1500 से 1600 तक के टारगेट्स अवंती फीड्स में देखने को मिल सकते हैं। एक बार बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं, हालांकि निफ्टी बैंक 121 पॉइंट नीचे है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौड़ा को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौड़ा इस समय 1.5% ऊपर, रिजल्ट से पहले अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौड़ा अपने दिन के हाई लेवल्स पर 194 पर समय ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक और एक काउंटर है जो कि 1/4% ऊपर इस समय है, लेकिन SBI को देखिए, ये करीब 0.5% ऊपर 306 के आसपास, और ये मार्केट के लिए मैटर करेगा क्योंकि इसके कल नंबर्स आने हैं और इसके नंबर्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग द सेंटिमेंट। निफ्टी बैंक पर और बैंक ऑफ बड़ौड़ा दोनों पर अब जिस तरह की ओपनिंग हुई है उसके बाद आशीष क्या करेंगे आप? ठीक है, बैंक बड़ौदा तो काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो आज अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसने बीच में 5 मई के आसपास एक हाई बनाया था जो कि 202 के आसपास था, मुझे लगता है वो हाई ये स्टॉक टेस्ट करेगा, तो वहाँ तक की अपसाइड बैंक बड़ौदा में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर मुझे लगता है 191 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजिशन बैंक ऑफ बड़ौदा में डेफिनेटली बनाई जा सकती है। साथ ही साथ मुझे लगता है SBI भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बहुत समय के बाद 305-306 के स्तरों को क्रॉस किया, तो यहाँ पे 318 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 301 का एक स्टॉप लॉस रख के SBI में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जी सुनील, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। HUL भले ही नहीं चल रहा हो लेकिन डाबर, मैरिको, कोलगेट ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स FMCG स्पेस से जो कि 1% तक का स्पर्ट दिखा रहे हैं, आपकी टॉपिक क्या है अभी FMCG में? सी देखिए, इसमें गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट काफी अच्छे आए थे और उसके बाद में हमने एक इनिशियल स्पर्ट भी देखा था, हमें लगता है कि उसका आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है और वो स्टॉक मुझे लगता है कि देखा जा सकता है, या कोई भी करेक्शन या करंट प्राइस पे पार्ट एक्यूमुलेट किया जाए और कोई करेक्शन पे ऐड किया जाए तो वो एक स्टॉक काफ़ी ठीक है। जी चलिए सुनील, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच एक बार मार्केट की ब्रेथ भी देख लेते हैं, आज जिस तरह का संकेत था या फिर ओपनिंग क्यूज जिस तरह के थे, NSE पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं वो 340 हैं, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1000 से भी ज़्यादा है, या 1025 टू बी प्रिसाइज। सिमिलरली BSE पर अगर हम देखें जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या देखिए 500 है, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1100 के आसपास है, यानी BSE पर हर एक बढ़ने वाले काउंटर के सामने ऑलमोस्ट 2.5 काउंटर्स नुकसान में है और NSE पर ये रेशियो और भी ख़राब है, हर एक बढ़त वाले काउंटर के सामने 3 से ज़्यादा काउंटर्स ऐसे हैं जो कि नुकसान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। हमने हिंदुस्तान कॉपर की बात की थी, वो अब देखिए करीब 4.5% ऊपर जा चुका है और ठीक वॉल्यूम्स के साथ इस समय यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। एक बार जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं क्योंकि होडको की लिस्टिंग भी होने वाली है। अब देखिए BSE आज भी करीब 1-2% नीचे है, लेकिन कोई मेजर सेल ऑफ देखने को नहीं मिला, और साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट को भी अगर आप देखें यानी कि डीमार्ट को, तो ये भी करीब 0.5% ही नीचे है 740 के आसपास। किरण आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, आशीष आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब अमीषा बोरा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अमीषा मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो इट डर था दैट ट्रंप विल एक्चुअली स्पूक द मार्केट्स, लेकिन ओपनिंग जिस तरह की हुई है ऑब्वियसली देयर इज अ ड्रॉप, 0.5% की गिरावट है मार्केट में, बट एटलीस्ट एशियन मार्केट्स में पैनिक देखने को नहीं मिला है। नाउ नॉट दैट दिस रिएक्शन विल गेट ओवर इन अ डे और टू, बट ओवरऑल इंडियन मार्केट में आप स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ कितनी देख रही हैं इस समय? आई थिंक इंडियन मार्केट ने बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है, द रैली हैज बीन बहुत लंबा टाइम टिकी और एकदम ग्रेजुअल रैली होने की वजह से ब्रॉड बेस्ड रैली है, नॉट ओनली फ्रॉम स्टॉक इन सेक्टर्स पर्सपेक्टिव बट आल्सो फ्रॉम पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव इट इज़ ब्रॉड बेस्ड। तो आई थिंक मार्केट ने स्ट्रेंथ अभी तक बहुत अच्छा दिखाया है, बट आई वुड से एंड जून, मिडल ऑफ एंड मे, मिडल ऑफ जून, एज वी एंटर द मानसून सीजन, द आई थिंक द टू बिगेस्ट पॉजिटिव्स जैसे कि मानसून कैसा है एंड GST रेट्स क्या है, वो दोनों आउट होने पे जो पीक होगा मुझे वहाँ लगता है वहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा या तो थोड़ा करेक्शन करेगा। तो आई वुड थिंक दैट
since May has continued to be so good, June could be a month of a slight correction, not impossible.